दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है और अरेस्ट करने के बाद में जब उसको जेल भेजते हैं तो जेल जो इंसान गया है वो किस मामले में गया है सबसे पहले ये देखा जाता है। सीरियस मामलों में जो भी लोग जेल जाते हैं और जिनको पता है कि उनकी बेल जल्दी से नहीं होगी, या फिर ये मान लीजिए कोई व्यक्ति 6 महीने, साल भर या 2 साल से जेल में है, तो ऐसे में वो सोचता है कि क्यों ना मैं इंटरिम बेल के लिए जाऊं। इंटरिम बेल एक टेम्पररी बेल होती है जिसमें कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए, कुछ दिनों के लिए बेल दी जाती है किसी काम के लिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर में कोई डेथ हो गई, तो डेथ हो गई तो डेथ होने में उसका शामिल होना जरूरी है, ऐसे में इंटरिम बेल दे दी जाती है। कई बार इसमें कस्टोडियल बेल भी मिलती है, मतलब कि पुलिस वाले खुद लेकर आते हैं अंतिम संस्कार कराने के लिए किसी व्यक्ति का। या कई बार किसी घर में कोई डिलीवरी हो रही है तो उसमें 15-20 दिन की इंटरिम बेल मिल जाती है। या किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होना है, कोई सीरियस इंजर्ड है, सीरियसली कोई बीमारी किसी को हो गई है, तो ऐसे में भी इंटरिम बेल दी जाती है। इंटरिम बेल का हालांकि देखा जाए अपने आप में कोई स्पेसिफिक सेक्शन तो नहीं है, बट इसमें बेल देने का प्रोविजन जरूर है कि बेल दी जाती है अगर किसी व्यक्ति को अर्जेंट कुछ काम आ गया है, तो ऐसा नहीं कि उसको जेल में ही रखा जाए, पैरोल भी दी जाती है। पैरोल और इंटरिम में डिफरेंस है। इंटरिम बेल कैसे आपको मिलेगी, कौन से हैं 3 ग्राउंड्स और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए इंटरिम बेल लेते हुए, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। इंटरिम बेल के बारे में ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानून जानकार। दोस्तों, इंटरिम बेल हालांकि सभी को मिल जाती है अगर कुछ सीरियस मामला है जो बिना आपके जाए सॉल्व नहीं हो सकता। किसी की बीमारी है, किसी की डेथ है, किसी की डिलीवरी है, किसी का ऑपरेशन है, ये सब ग्राउंड्स आते हैं सामने हमेशा कोर्ट के। और ज्यादातर ये मामले तभी आते हैं, ज्यादातर ये एप्लीकेशंस तभी आती हैं जब मामले सीरियस नेचर के होते हैं, जैसे कि एनडीपीएस के मामले हो गए, पॉक्सो के मामले हो गए, मर्डर के मामले हो गए, पीएमएलए के मामले हो गए, या फिर ईओडब्ल्यू के केसेस हो गए। ये कुछ बड़े केसेस हैं, और भी बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें कि इंसान सालों से जेल में है, साल 6 महीने उसको हो गए, अब वो बाहर आना चाहता है, तो ऐसे में इंटरिम बेल लगाई जाती है। क्या है उसके ग्राउंड्स बहुत सारे हैं, बट जो मेजर ग्राउंड्स है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला ग्राउंड जो इंटरिम बेल का बनता है, दोस्तों होता क्या है, मान लीजिए कि आपकी वाइफ, अगर आप जेल में हो, आप एक्यूज हो, कोई भी मेल जेल में है और अभी उसकी वाइफ को कोई भी प्रेगनेंसी है या डिलीवरी होनी है या ऑपरेशन होना है, तो ऐसे में कई बार हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि यहां वाइफ को जो जरूरत है अपने हस्बैंड की, उसे कोई और रिप्लेस कर नहीं सकता, तो ऐसे में बहुत बड़ा ये ग्राउंड होता है बेल लेने का। पर मैंने अक्सर ये देखा है छोटी छोटी बातों के लिए भी लोग इंटरिम बेल लगाते हैं। आपको लगानी चाहिए, पर इंटरिम बेल मिलने के चांस कम ही होते हैं। जैसे कोई इंसान बेल लगा देता है कि मुझे पथरी का ऑपरेशन होना है, कोई इंसान पाइल्स के लिए लगा देता है कि मुझे ऑपरेशन होना है, मतलब अलग अलग छोटी छोटी बातों के लिए भी अक्सर इंटरिम बेल लगाई जाती है, बट ऐसे में बेल मिलती नहीं है, बेल को डिसमिस कर दिया जाता है। आपके साथ अगर सीरियस कोई मामला है, खास करके आपकी वाइफ के साथ, और वाइफ पर अगर आप इंटरिम बेल लेते हैं तो आपकी बेल होगी, आप बाहर भी आओगे और आपको वक्त भी अच्छा खासा मिल जाता है। दोस्तों, आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट हैं, या फिर अभी-अभी आपने प्रैक्टिस शुरू की है, आपका कोई भी सगा संबंधी जानकार जेल में है, या फिर आप खुद जेल में हैं, तो मैं आपको बता दूं ये वीडियो बहुत काम का है। इंटरिम बेल लेने के लिए हालांकि स्पेशल कोई प्रोविजन नहीं है, पर आप इंटरिम बेल ले जरूर सकते हैं अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य सीरियसली बीमार है, कोई भी इंजर्ड है, उसका ट्रीटमेंट होना है, ऑपरेशन होना है, घर में डेथ हो गई है, ऐसे में आप बेल ले सकते हैं। और कोई भी असिस्टेंस आप चाहते हैं, हमारी ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी आप ले सकते हैं, दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप जरूर करें। ये तो था पहला ग्राउंड जो अक्सर काम करता है। अब हम बात करते हैं दूसरे ग्राउंड की। दोस्तों, दूसरा ग्राउंड रिलेट करता है आपकी रेगुलर बेल से भी, कि अगर कभी भी आप अगर इंटरिम बेल लगाते हैं, सीरियस मामला है आपका, मान लीजिए एनडीपीएस का मामला है, पॉक्सो का मामला है, पीएमएलए का, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ईओडब्ल्यू का मामला है, और आपने बेल ली सीरियस मामले में, कमर्शियल क्वांटिटी थी एनडीपीएस में, और आपने बेल ली इसमें इंटरिम बेल, और आपने टाइमली सरेंडर कर दिया, पहली बार सरेंडर किया, दोबारा बेल मिल गई, दोबारा बेल ली, फिर सरेंडर किया, फिर तीसरी बार मिल गई, तो ऐसे में रेगुलर बेल जब आप फाइल करते हैं तो ये रेगुलर बेल को दिलाने में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कि सामने वाला इंसान ट्रायल से भागेगा नहीं,
कोर्ट की सुनवाई से भागेगा नहीं, और जब जब ट्रायल चलेगा, जब जब उसके डेट्स लगेंगी कोर्ट में, टाइमली वो अपीयर होगा। तो ये सब चीजें भी काउंट की जाती हैं। और किसी भी इंसान को, मान लीजिए किसी के घर में कोई डेथ हो गई, ऐसे में उसे इंटरिम बेल दी ही जाती है, और कई बार लोग बेल नहीं भी लगाते हैं। बट इंटरिम बेल लेकर आप बाहर आ गए, टाइमली आपने सरेंडर कर दिया, तो रेगुलर बेल के ग्राउंड्स बन जाते हैं। तो किसी की डेथ में भी आपको बेल बिल्कुल मिल सकती है। अब हम बात करते हैं तीसरे मुद्दे की, तीसरे ग्राउंड की, या तीसरे हम बात करें आधार की, जिसमें इंटरिम बेल आपको मिल जाती है। दोस्तों मान लीजिए कई बार हमें लोग बोलते हैं कि सर मुझे बीमारी है, कोई भी बीमारी है, मेरा एक ऑपरेशन होना है, और आप खुद जेल में हो। तो ऐसे में कई बार कस्टोडियल ट्रीटमेंट के लिए परमिशन दे दी जाती है। आप गए थे इंटरिम लेने, बट कस्टोडियल वहां पे इंटरिम मिल गया, मतलब कि आप कस्टडी में ही रहोगे और वहां पे आपका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चलता रहेगा। तो बेटर है कि आपकी वाइफ के लिए, आपकी मदर के लिए, आपके फादर के लिए, घर में अगर और भी लोग आपके मदर फादर को देखने के लिए हैं, तो ऐसे में कई बार बेल डिसमिस कर दी जाती है। तो वाइफ का ग्राउंड बड़ा होता है, और साथ में ही अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो ऐसे में तो बार बार आपको इंटरिम बेल मिलेगी ही। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बेल आपको मिल जाएगी। और रेगुलर बेल के लिए भी साथ के साथ ट्राई करते रहना चाहिए। आप अपने सेशंस कोर्ट में हो, या वे कोई भी जो आपका ट्रायल कोर्ट है, उसमें अपनी रेगुलर बेल लगाओ, साथ में ही हाई कोर्ट में बेल लगाओ, सुप्रीम कोर्ट बेल लगाओ, बेल आपको मिलेगी। और बार बार जो आपने टाइमली सरेंडर किया है, ये आपका बहुत बड़ा ग्राउंड बन जाता है आपको बेल दिलाने में। टाइमली सरेंडर इसीलिए आपको करना चाहिए। इंटरिम बेल के बारे में कोई भी किसी भी तरह के सवाल अगर आपके दिल में है, आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें, या फिर आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। हो सकता है हमारा कोई भी सजेशन, कोई भी रिप्लाई आपके केस में आपके बहुत काम आ सके, आप अपने केस से बाहर निकल सके। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।